हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप। अब आप हमारी सभी वीडियोस गुरुकुल हब के साथ साथ अन एकेडमी पर भी देख सकते हैं। वहां पर ऑल टाइप की कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे वो रेलवे के एग्जाम हो, SSC हो, CTET हो या फिर UPTET। उसके लिए आपको अन एकेडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको सभी कोर्सेज और सभी वीडियोज आप देख सकें। सो गाइज, रेलवे की तरफ से अपडेट आ चुका है एग्जाम डेट को लेकर, ठीक है, एग्जाम सिटी को लेकर कि आपका एग्जाम किस डेट में है, किस सिटी में है, तो ये आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ओपन की हुई है, रेलवे इलाहाबाद की वेबसाइट है rrbalb.gov.in। तो यहाँ पर वेबसाइट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर साफ तौर से क्लियर किया गया है, ठीक है, 9 तारीख में ये आ चुका है, 9 सितंबर को, और यहाँ पर 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर 2018 तक करीब एक महीने का टाइम है, कंप्लीट एक महीने का ही टाइम है, ठीक है, 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2018 तक ये एग्जाम पूरा कंप्लीट करा लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है कि इस लिंक पर क्लिक करने के बाद होगा क्या कि आपके पास ये लॉगिन पेज खुलकर आएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट है यूज़र आईडी, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो भी आपने फॉर्म फिल करते वक्त आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। देन यूज़र पासवर्ड, यूज़र पासवर्ड में फर्स्ट आपको अपनी डेट, जो भी जिस डेट में डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, डेट मंथ और ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर पासवर्ड में आपको फिल करना है। देन लॉगिन के बटन पर क्लिक करके आप अपना एग्जाम डेट और सिटी यहां से कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। साइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, और जैसे जैसे समय बीतेगा तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो करीब करीब मैं मानता हूं अब 22-23 घंटे तो हो ही गए हैं, तो अब धीरे धीरे ये प्रेशर कम भी होगा और शायद जब तक आप वीडियो देख रहे हो तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट भी हो चुकी हो, नहीं तो हो जाएगी बहुत ही जल्दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भीड़ है ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर। तो यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर करनी थी। अब आपको जब यहाँ से डेट क्लियर हो जाएगी, ठीक है, कि एग्ज़ाम डेट किस डेट में है, किस सिटी में है, तो उससे 4 दिन पहले, जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा उससे 4 दिन पहले, मान लीजिए 17 में ही पेपर है, तो 13 तारीख को यहां पर अपडेट, आप वहां से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर गाइस, तो यही अहम जानकारी थी, ठीक है। तो कुछ बच्चे परेशान हो सकते हैं कि उनका एडमिट कार्ड तो नहीं, एग्जाम सिटी और डेट के लिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डालकर वो लॉगिन नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि वेबसाइट पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वेबसाइट क्रैश हो रही है भीड़ की वजह से, तो परेशान ना हो, जल्दी ही वो प्रॉब्लम। तो गाइस, मेरी तरफ से आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक है, आप अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से पेपर करके आएं, ठीक है, और भगवान करे आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी इसी एग्जाम में हो जाए। तो अभी तक बस यही जानकारी आपको प्रोवाइड करानी थी, धन्यवाद।